हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीआरटीज डीजी स्कूल। माय नेम इज मोहम्मद इजाजुल हक। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे ही इज ए टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। यहाँ पर टॉल ने बॉय को क्वालिफाई किया। और एडजेक्टिव के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो गुण को बताते हैं या संख्या को बताते हैं या मात्रा को बताते हैं। इस तरह के बहुत सारे एडजेक्टिव हैं हमारे, जिसके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये जानें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है अपने फॉर्म को चेंज करता है जब इसको कंपेयर करते हैं, एक नाउन से या दूसरे नाउन को कंपेयर करते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अपने फॉर्म को चेंज करता है। जैसे अगर हम किसी एक के बारे में बात करते हैं कि ही इज ए टॉल बॉय, तो उसमें उसका वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। जब दो में कंपेयर करते हैं, ही इज टॉलर देन राम, इसमें उसका टॉल चेंज हो गया, टॉलर हो गया। और ही इज द टॉलेस्ट बॉय, वो सबसे बड़ा लड़का, सबसे लंबा लड़का है। तो इस तरह से हमने देखा कि टॉल ने अपने फॉर्म को चेंज किया, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट हो गया। तो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन अंग्रेजी में इंग्लिश के लिए तीन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको बनाने के कुछ नियम हैं। पहला नियम तो यह है कि इन जनरल, रूल वन में इन जनरल ये है कि कोई भी एडजेक्टिव उसमें ईएसटी लगा करके हम उसको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें यहां पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हम लोगों ने यहां पे ईआर लगाया और ईएसटी लगाया। दूसरा रूल ये है, रूल टू, अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में अगर ई है, जैसे एल ए आर जी ई, तो फिर हमें इस ई के साथ सीधे आर लगाने की जरूरत है, लार्जर हो जाएगा और लार्जेस्ट। सिर्फ हम लोगों ने इसमें सिर्फ आर लगाया और एस टी लगाया। रूल तीन ये है कि अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा हो जिसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे हम कहते हैं हॉट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल हो, तब हम लोग करते हैं ये कि उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और तब उसमें ईआर लगाते हैं और ईएसटी लगाते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहां पे आपने टी को डबल किया और फिर ईआर लगाया और हॉटेस्ट हो गया। रूल फोर ये है, लास्ट में वाई हो, जैसे हैप्पी, इसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग वाई को आई में बदलते हैं और उसमें उसके बाद ईआर लगाते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे हैप्पियर, हैप्पी, वाई को आई में बदला और फिर ईआर लगाया, उसी तरीके से हैप्पीएस्ट। यहां हम लोगों ने बाइक को आई में बदला और ईआर लगाया, आई में बदला, ईएसटी लगाया। रूल पांच, पहला रूल ये है कि अगर वाई के पहले कोई वॉवेल हो, जैसे हम कहते हैं ग्रेट, जी आर ई वाई, ग्रेट, वाई के पहले एक वॉवेल है, तो हम लोग उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ईआर लगा देंगे, जी आर ई वाई, ईआर, ग्रेयर और ग्रेस्ट। रूल सिक्स ये है कि अगर कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, आप ही इस्तेमाल करते होंगे, आप बच्चों को कहते होंगे गुड, बेटर, बेस्ट, तो उससे कुछ एहसास नियम नहीं है, आप उसको रैंडमली उसका बनाया गया है, गुड, बेटर, बेस्ट, इसको आपको याद करना होगा। और ये जैसे बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ओल्ड, एल्डर, इससे से बनाते हैं हम लोग, उसका कोई खास नियम नहीं है। रूल सेवन ये है कि अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा हो
जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल हो। सिलेबल इन द सेंस एक यूनिट ऑफ साउंड जिसको कहेंगे, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। इसमें इंटेलिजेंट में लगता है इंटेलिजेंट, चार हो गए, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, चार वॉवल्स हैं, चार सिलेबल है इसमें। तो इस तरह के अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगा के उसको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। एक कुछ खास है इसके बाद, और भी अगली कक्षाओं में जब आप इसके बारे में और कुछ नियम जानेंगे जो तो हो सकता है कि कुछ अलग हो, डिफरेंट हो। इससे एक बात का ख्याल रखें, जब भी हम कंपेरिजन करते हैं कंपेरेटिव डिग्री, तो जो ये एडजेक्टिव है उसके बाद दैन लग जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में उससे पहले द लग जाता है। आई थिंक ये आपके कक्षाओं में आने वाले जो एक्सरसाइजेस है उसमें इस तरह के जो नियम है वो आपको फायदा करेंगे। आप इस पे कुछ और एग्जाम्पल्स खुद से बनाए, इन नियम को ध्यान करके, और फिर असेसमेंट का जो इस वीडियो के बाद जो असेसमेंट का जो सेशन दिया गया है उसमें आप उसको बता खुद सेल्फ असेसमेंट करें। धन्यवाद।